हाय गाइज़, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अलू टेक्निकल, और हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर सेकंड में, हाँ, फ्लूड मैकेनिक्स। फ्लूड मैकेनिक्स में हम कुछ फ्लूड देख लेते हैं जो कल रह गए थे, आज उनको पढ़ लेते हैं। देखो, एक अपने पास फ्लूड आइडियल फ्लूड। कौन सा फ्लूड है? आइडियल फ्लूड। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूड का मतलब आपने तो वो चीज़ समझा था कि फ्लूड क्या होता है। फ्लूड इज अ सबस्टेंस दैट इज हैविंग एबिलिटी टू द फ्लो अंडर शेयर एक्शन ऑफ अ फोर्स। मतलब जो शेयर एक्शन के अबाउट फ्लो करने की क्षमता रखे वो फ्लूड कहलाता है। अब ये आइडियल फ्लूड क्या आ गया, मतलब ये कौन सा फ्लूड है आइडियल फ्लूड। भाई ये कौन सी बात कर दी आपने, भाई ये कौन सा फ्लूड है, भाई ये चीज़ समझ लेते हैं। तो सुनो, आइडियल फ्लूड का मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श फ्लूड। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको लिख लो भगवान जी फ्लूड। कौन सा फ्लूड? भगवान जी फ्लूड। ये इतना आदर्श है कि इसको गुरुजन लोग भगवान जी फ्लूड कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी अनुकंपा है, इतनी इसमें महिमा है, इतनी इसमें गुणगान है ईश्वर के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूड। देखो कैसे, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इसकी जो पहली क्वालिटी ए होगी वो इनकम्प्रेसिबल होगी। क्या होगी? इनकम्प्रेसिबल। पहली चीज़ इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होगा? ये कंप्रेस नहीं होगा। मतलब जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, जब आप आइडियल फ्लूड को कंप्रेस करेंगे, या सोचो सिंपल सा, जब आप किसी फ्लूड को कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस नहीं होगा, वो फैल जाएगा, वो एक्सपांड कर जाएगा, वो फ्लूड क्या कहलाएगा? आइडियल फ्लूड। तो ये फ्लूड दबेंगे नहीं, ये कह रहे हैं कि मैं फ्लूड हूँ बट मैं दबूंगा नहीं, तो उसको आप मान लेना वो आइडियल फ्लूड है। दूसरी चीज़, नो विस्कोसिटी। मतलब ये हैं तो फ्लूड बट ये बहना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर विस्कोसिटी नहीं है, मैं फ्लूड हूँ बट मैं बहना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैं हूँ और मैं आपको दिख रहा हूँ तो एज अ नॉर्मल व्यक्ति, बट मैं आपको ना दिखूँ तो मैं मिस्टर इंडिया हो जाऊँगा। तो मिस्टर इंडिया एक अब नॉर्मल व्यक्ति था जो आपको दिखता नहीं था। इसी प्रकार से कोई कहे, जैसे मैं कहूँ कि मैं सामने आपकी खड़ा हूँ बट मैं दिख नहीं रहा हूँ, तो आपको अरे दिख रहे हैं यार झूठ बोल रहे हो, तो मैं दिख रहा हूँ इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ, बट मैं कहूँ मैं नहीं दिख रहा हूँ और तब क्या कहोगे? तो आप मिस्टर इंडिया हो गए हो, आप भगवान जी हो गए हो, कि आप हो भी दिख भी नहीं रहे हो। भगवान जी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान होते भी हैं, आपको दिखते भी नहीं हैं। इसी प्रकार से फ्लूड कह रहा है कि मैं हूँ आपके साथ में बट मैं आपको दिखूंगा नहीं, आप थ्योरेटिकल मान लो बट मैं दिखूंगा नहीं, तभी इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूड। दूसरी चीज़ सी, जीरो सरफेस टेंशन। अब ये कह रहा है कि मेरा जो सरफेस है, मतलब मैं जहाँ पे तालाब में, ग्लास में, मग में, बाल्टी में, कहीं भी होऊंगा, मेरा सरफेस टेंशन है ना, वो ज़ीरो होगा। ऐसा पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, इसलिए ये इसकी इतनी अनुकंपाएँ हैं कि आइडियल जो फ्लूड होता है वो इनकम्प्रेसिबल, नो विस्कोसिटी, ज़ीरो सरफेस टेंशन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आइडियल फ्लूड। इसको हम क्या बोल देंगे? आइडियल फ्लूड, आदर्श फ्लूड। दूसरी चीज़, अब हमने कल फ्लूड की डेफिनेशन समझी थी। फ्लूड की डेफिनेशन हमने क्या समझी थी कि फ्लूड इज अ सबस्टेंस। फ्लूड एक ऐसा पदार्थ है, एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो करने की एबिलिटी, योग्यता रखता है, बट अंडर द शेयर एक्शन ऑफ फोर्स। किसके रिस्पेक्ट में? शेयर एक्शन के। शेयर फोर्स क्या होता है? जो हम धक्का देते हैं, ये क्या है? शेयर फोर्स है। जब हम धक्का देंगे तो कौन सा फोर्स कहलाएगा? शेयर फोर्स, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखो, इफ मान लेते हैं, यदि इफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मेरा शेयर फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल टू जीरो, तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्लूड। कौन सा फ्लूड है वो? स्टैटिक फ्लूड। स्टैटिक फ्लूड या फिर एट अ रेस्ट फ्लूड। एट अ रेस्ट फ्लूड, एट अ सोता फ्लूड। स्टैटिक फ्लूड को दूसरा नाम है कुंभकर्ण फ्लूड। स्टैटिक फ्लूड का दूसरा नाम क्या है?
कुंभकर्ण फ्लूइड, जो कुंभकर्ण बहुत सोता था तो ये फ्लूइड भी बहुत सोता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। ये सोता क्यों है, इफ शियर स्ट्रेस, इफ शियर फोर्स इज जीरो, इफ शियर फोर्स इज जीरो, यदि इसमें शियर जो फोर्स था वो जब जीरो हो गया तो फ्लूइड मेरा सो गया, मतलब कुंभकर्ण पे जो शियर फोर्स लग रहे थे वो जीरो हो गए थे, तभी कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था। अब ये क्या है, स्टैटिक फ्लूइड, अजा रेस्ट फ्लूइड, अजा सो रहा फ्लूइड, कुंभकर्ण फ्लूइड। आगे बात करता हूँ, अब देख लेते हैं, ये हो गया मेरी इस चीज़ के बारे में कि फ्लूइड कब सोता है, फ्लूइड कब जागता है। तो जब आप सो रहे हों तो आप पे कौन सा फोर्स कार्य करेगा, शियर फोर्स, वो भी जीरो कंडीशन में, मतलब आप पे शियर फोर्स जीरो लग रहा होगा तब आप सो जाएंगे, ज़्यादा लगेगा तो आप कुंभकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब दूसरी एक डेफिनेशन और है मेरे पास, फ्लूइड एज अ फ्लूइड, अरे यार ये मिट नहीं रहा है, फ्लूइड यहाँ से लिखता हूँ यार, इसको बड़ा बड़ा लिखता हूँ यहाँ से। अब दूसरा नियम मेरे पास क्या है, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम। अब समझो ये कौन सी चीज़ आपको हमने लिख दिया है जो आपको समझना है, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम। तो आपने फ्लूइड तो समझा था अभी, जो एबिलिटी रखता है फ्लो करने की, दूसरी चीज़, अच्छा फ्लूइड को फ्लो क्यों करता है, दूसरी चीज़ फ्लूइड कोई फ्लो क्यों करता है, उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूल ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल, उसकी वजह से वो फ्लो करेगा, उसकी वजह से वो नहीं फ्लो करेगा, सारा खेल मॉलिक्यूल का है। अब हम जब बात कर लेंगे फ्लूइड एज अ क्वांटिनम, क्वांटिनम एक हिसाब से कॉन्टिन्यूस से बना है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यू से बना है, तो आप लगातार से बात कर लेंगे यहाँ पे, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम ये एक लॉ है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे। आप समझो कि फ्लूइड में कॉन्टिनम क्या होगा, फ्लूइड तो हमें पता है एज ए कॉन्टिनम, कॉन्टिनम मतलब लगातार कंटिन्यू। आ जाओ लाइन पे, देखते हैं यहाँ पे, इसके इसमें दो अप्रोच होती है। देखो किसी भी लॉ को समझने से पहले उससे एक कहानी समझी जाती है कि ये कहानी क्या है, उसके ए पढ़ता है उसके पीछे की कहानी होती है कि ये कहानी क्या है। तो हम अगर कहानी समझ गए ना तो हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये क्या है, फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम क्या है। अगर हम कहानी समझ गए, कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी ये है कि इसमें दो अप्रोच लगती हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। कौन से अप्रोच हैं, फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम में दो अप्रोच लगती हैं, ए माइक्रोस्कोपिक, कौन सी अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरी बी माइक्रो, ध्यान से समझना, एक है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ये क्या होती हैं, माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म सी जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी, जैसे एक होता है सांप एनाकोंडा, वो है माइक्रो, माइक्रो एनाकोंडा, माइक्रो चींटी, माइक्रो। अच्छा हो आप समझते हैं इस अप्रोच का असली मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास दो कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस हैं, सपोज दैट, इसको समझने पहले कहानी ये समझते हैं, जैसे मान लो चलो आपका घर है, आप किसी घर में रहते हैं, उस घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, सारे लोग उसमें रहते हैं। अब आप अगर आप उस घर में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना चाहोगे तो किसी एक से, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक की, जैसे हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगानी हो और मैं घर में जाऊँ, एग्जांपल है, और भाई से या बहन से किसी एक से पूछ लूँ कि भाई कैसे हैं आप, वो कहे मैं ठीक हूँ, वो कहे मैं ठीक हूँ, और ये मैं मान लूँ कि वो ठीक है तो इसका मतलब पूरा घर ठीक होगा। मैं सिस्टर से, भाई से, मम्मी से किसी से अगर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप कैसे हैं, वो कहे अगर मैं ठीक हूँ और मैं मान लूँ कि वो सब ठीक होंगे पूरा घर, तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। और अगर मैं घर में जाऊं और हर व्यक्ति से पूछूं, मम्मी से अलग से कि भाई आप कैसी हैं, भाई से अलग से भी कि आप कैसे हैं, भाभी से अलग से भी कि आप कैसी हैं, सबसे पूरे घर में ओवरऑल सबसे पूछूं, तो वो कौन सी अप्रोच होगी, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसलिए आते हैं अभी और बात करते हैं,
समझो, यहाँ पे कोई आपका पार्टिकल्स है, जिसमें कोई आपका मटेरियल है, जिसमें अंदर के हम क्या बना रहे हैं, ये इसके पार्टिकल्स में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो इसके अंदर बनेंगे, इन हर पार्टिकलों का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाएगी। और माइक्रो, देखो एक है माइक्रो, माइक्रो एम ए सी, माइक्रो एम आई, तो जब आई आएगी मतलब माइक्रो की बात करेंगे बहुत सूक्ष्म सी जानकारी की, तो हम इसकी बात करेंगे। देखो ये है ए, ये है बी। अब एक माइक्रो मतलब हमने किसी एक को उठा लिया और ये पूछा कि भाई आप कैसे हैं। अगर एक मेरा किसी पदार्थ में एक पार्टिकल मेरा अच्छा पाया गया और ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने अजम्पशन में ले लिया, ये हमने मान लिया कि सारे पार्टिकल सही होंगे, दैट इज लॉ ऑफ माइक्रोस्कोपी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमने हर एक पार्टिकल की, ये मेरे पास पदार्थ था, हमने एक दो तीन चार उसके सारे पार्टिकल की बहुत बारीकी से अध्ययन किया, उसमें अगर हमने पाया कि तब हम मतलब हमें भरोसा नहीं है, हमने अगर एक पार्टिकल को चेक करा, दूसरे पार्टिकल पे हमें भरोसा नहीं है, मैं उसको भी चेक करूँगा कि वो सही है कि नहीं, अगर वो सही नहीं हुआ तो मैं दूसरा फिर चेक करूँगा, मैं तीसरा फिर, मैं सारे पार्टिकल चेक करूँगा, उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। समझ में आई? सपोज दैट आप अब समझते हैं, अब मान लो माइक्रो है, माइक्रो को एक हिसाब से और समझ लो, माइक्रो को आप क्या समझ लो, लव मैरिज, लव मैरिज, और इसको समझ लो अरेंज मैरिज, दूसरा एग्जांपल है ये, समझ लेना इसको, सिर्फ करना नहीं है। अब लव मैरिज क्या है, जैसे कि लव मैरिज आप कहीं जा रहे थे और भेलपूड़ी खा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, ए टू जेड लड़के हो या लड़के हों, फिर आपको किसी लड़की से अट्रैक्शन हुआ, आपने आंखें देख ली, आपने बाल देख लिए, अपना कुछ भी एज ए फेस वेस देख के आपने बहुत अच्छी, आपने प्यार कर लिया, और आपने प्यार कर लिया, आपने शादी कर ली, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे कि वो अच्छी दिखती है, बाल अच्छे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कुछ एक चीज़ आपने देख लिया और आपने प्यार कर लिया, फिर आप लव मैरिज कर ली। अरेंज मैरिज में क्या है, अरेंज मैरिज में सबसे पहले बात चलती है, फिर घर वाले उसके पास जाते हैं, फिर उसके बैकग्राउंड, दादा मामा नानी ये सब चीज़ों को देखते हैं कि वो कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा उनका है, लड़की को प्रॉपर चेक किया जाता है कि चल पा रही है कि नहीं, बोल पा रही कि नहीं, गूंगी तो नहीं है, खा पा रही, आँखें कैसी हैं, मतलब हम लोग एकदम खूब कस के चेक करते हैं, तब जाके डन करते हैं, उसके बाद पड़ोसी उसको हाक भी देते हैं, तो वो अलग बात हो गई। तो अब अरेंज मैरिज, लव मैरिज, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो, समझ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कल इसका अगला लेक्चर करेंगे। ओके, बाय बाय।